आज दिनांक 8/5/2020, क्लास 11, सब्जेक्ट बायोलॉजी, टॉपिक है शॉर्ट कमिंग ऑफ डेटर्स फाइव डेटर के पांच जगह पर की प्रक्रिया है। तो कल हमने डेटर की पांच वर्गीकरण पद्धति के बारे में बताया था, उन्होंने समस्त जीवों को पांच जगह पर निर्धारित किया था, लेकिन हम जानते हैं जब युगादि कार्य होता है तो उसकी घोषणा कुछ कर दिया जाता है, उसी को ध्यान रखते हुए यहाँ उनके जो पांच जगह वर्गीकरण पद्धति है इसमें भी कुछ कमियां पाई गई। हालांकि काफी हद तक इस जगत पांच जगह प्रणाली को सराहना मिली, इन कुछ बातों के लिए त्रुटियां का भी पता चला गया है। पहली त्रुटि है इस वर्गीकरण प्रणाली से जीवों के जागरूकीय संबंधों की जानकारी नहीं होती, पहली बात। और दूसरी बात है इन्होंने जो शैवाल हैं उनको तीन जगह में उठाकर रख दिया, जबकि शैवाल एकत्रित और एक जगह में होना चाहिए था। तो दूसरी कमी ये पाई गई, जैसे नीले है शैवाल को जगत मोनेरा में रखा, दूसरा जितने एक कोष के शैवाल थे उन सबको प्रोटिस्टा में रख दिया, और तीसरा नौ कोष के शैवाल थे उनको उठाकर प्लांटी जगत प्लांटी में रखा, तो दूसरी कमी ये पाई गई। तीसरी कमी है जगत मोनेरा और बाद जगत प्रोटिस्टा में जो समुद्र जीवों में अनेक भिन्नताएं होती हैं, जैसे और दूसरी है प्रकाश संश्लेषित तथा अप्रकाश संश्लेषित, इनमें ये भिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी इनको एक ही स्थान जगत प्रोटिस्टा में उठाकर रखा गया है, जो इसकी तीसरी सबसे बड़ी कमी है। तो अगे ये तो कमियां रही, अब इसके गुण क्या है, फायदे क्या है, कुछ इसकी विशेषता है उनके भी चर्चा करेंगे। जैसे पहला, ये पद्धति प्राकृतिक रूप से प्रारंभिक जीवों पादपों और जंतुओं के विकास को दर्शाती है, पहली विशेषता ये है, सब जीवों के चाहे वो आदिजीव हो चाहे पादप हो चाहे जंतु हो सभी का विकास को प्रदर्शित करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक कोशीय मध्यवर्ती स्वरूप है, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, यूरिया है और आपका सिनाइमोनस है, सबको एक अलग जगह प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। तीसरा विशेष बात है कि कवक जो पौधों से अलग होते हैं, पौधे रंग के होते हैं, दूसरी बात ये अन्य रंग के होते हैं तो क्योंकि इनमें अलग कवक नहीं पाया जाता, दूसरी बात पौधे सुपोषी होते हैं और ये कवक मृतक जीव होते हैं, तो ये भी भिन्नता है। तो कवकों को उन्होंने पादपों से अलग जगत में रखा है जिसको जगत भंजाई कहते हैं, तो ये तीसरी सबसे बड़ी विशेषता थी। चौथी बात है कि इन्होंने उनका जो पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली है वो कोष की संरचना तथा कोष के संगठन की जटिलता एवं पोषण वृद्धि पर आधारित है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो आरोग्य सेतु अपलोड करें और उसका संबंधित विद्यालय की वेबसाइट या यूट्यूब पर भी अपलोड कर दें। धन्यवाद।